हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गला थोड़ा खिचखिच लग रहा है। और अभी आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था कि अभी गणपति जी आने वाले हैं। मैं वही उसी तैयारी में लगी हूँ आज 4-5 दिन से। अभी मैं मार्केट जा रही हूँ सामान लेने के लिए। अब पूजा मेरी हो गई है, चाय मैंने पी लिया है और चाय ब्रेड था नाश्ते पे। अभी मैं मार्केट जा रही हूँ, मार्केट से सामान लेके आऊँगी। वो सामान मैं आप लोगों से शेयर करूँगी और जो भी सामान लेके आऊँगी, और फिर उसके बाद आके दोपहर का खाना लंच बनाऊँगी। फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। चाय ब्रेड का नाश्ता है, आइए आप लोग भी नाश्ता कीजिए, साथ में मिलके नाश्ता करते हैं। और मैं मार्केट जाऊँगी और मैं अभी ये सब मुँह पूरा बंद करके जाऊंगी क्योंकि कोरोना यहाँ ज़्यादा फैल रहा है। अब मेरी गाड़ी पेट्रोल टंकी पहुँच चुकी है। कहीं भी जाओ गाड़ी, पहले पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, पेट्रोल भराना ज़रूरी रहता है। खड़ी हो गई, मैंने कहा कहाँ जा रहे, बोले नहीं गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म, गाड़ी पेट्रोल भरवा रहे। तब तक मैंने कहा लाओ यार 2 क्लिप आप लोगों के यहाँ से निकाल लेती हूँ, क्योंकि गाड़ी से अगर जा रहे हैं तो उसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। फिर पेट्रोल भरे, फिर उसके बाद मैंने कहा लाओ यहाँ पर थोड़ा सा दिखाती हूँ। मैं घर आ गई हूँ सामान लेकर के, और मेरी अब सब्जी बन रही है। आज मैं मिक्स सब्जी बना रही हूँ, इसमें गाजर है और करेला, बीन्स, शिमला मिर्ची, प्याज सब मिक्स करके सब्जी बनाऊँगी। और आलू इसमें आज मैं 2 डालूँगी, क्योंकि करेला पड़ा इसलिए आलू डालना इसमें ज़रूरी है। और मैं अब सब्जी फ्राई कर रही हूँ। इसमें तेल डाल दिया और सादे तरीके से सब्जी बनाऊँगी। नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया है, और इसमें मैं आज टमाटर नहीं डालूँगी इस सब्ज़ी में, क्योंकि मुझे सूखी फ्राई सब्जी चाहिए। दाल बनाया है ना, तो दाल चावल सब्जी, तो फ्राई सब्जी रहेगी तो सूखी सब्जी रहेगी। आज तरी वाली सब्जी मैं नहीं बनाऊंगी। और इसमें मैंने करेला डाला है, आलू इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि उसका जो कड़वापन रहेगा आलू में चला जाएगा। और इसको जब सब्जी बन जाएगी आपकी तो लास्ट में मैं टमाटर नहीं डालती, नींबू आप लोग ऊपर से डाल दीजिएगा। थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ये डालिएगा, मसाला आप लोग डालिएगा, मैं तो नहीं डालती हूँ। थोड़ा सा धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर आप लोग डालिएगा। और ये जो मसालदानी मैं दिखा रही हूँ, मेरी बहुत पुरानी 20 साल पुरानी मसालदानी है। मैंने अभी देखिए चावल बना दिया है, जीरा राइस आज हमने बनाया है, और देसी घी डाल दिया है उसमें। और तड़के में मैंने उसमें बड़ी इलायची डाल दिया है, थोड़ा लौंग डाल दिया है। तो तड़के डाल के जीरा राइस मेरी रेडी हो गया है। अब मेरा खाना बन के तैयार हो गया। मैं दाल भी अभी फ्राई कर दी हूँ, ये दाल देखिए मेरी रेडी हो गई है, सब्जी हो रही है, पक रही है, सामान ये मेरा किचन भी पूरा तैयार हो गया है, एकदम बन गया है किचन एकदम अच्छे से। और राइस अभी मैंने डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, जितना चावल पानी डाल दिया, खाना बन के मेरा रेडी हो गया है। दाल चावल सब्जी रोटी भी बनाए, क्योंकि आज एक हफ्ते बाद मेरे घर में चावल बना है, हम ही 2 लोग खाने वाले हैं। और रोटी अभी नहीं बनाया है क्योंकि मुझे फिर अभी 4 बजे मार्केट भागना है, 5 बजे। तो अभी बर्तन मेरे बेसिन में पड़े हुए हैं, आप लोग खुद ही अभी मैं दिखा रही हूँ कितने ढेर सारे बर्तन पड़े हैं। आइए आप लोग भी खाइए और टेस्ट बताइए मेरे खाना कैसे हैं। मैं मार्केट से आ गई हूँ, मार्केट से आने के बाद देखिए इतना ढेर सारा सामान लेके आई हूँ। और ये कम्फर्ट है, और इसमें तो भी पोछा लगाने के लिए, बाथरूम में बर्तन धोने के लिए ये सब चीज़ें ये आ गई है। और ये चावल है और 4 किलो चीनी है, अपना ये कच्ची खानी तेल है 2 लीटर, काफ़ी पाउच, और ये अपनी पेपर प्लेट नाश्ते के लिए ग्लास, कॉफ़ी ग्लास, और ये अपना घी 2 किलो, और सूजी दूध का पाउडर, चाय की पत्ती, हैंड वाश वगैरह, ये अपनी चिप्स, नमकीन, बिस्किट, राइस, क्योंकि चावल मेरे पास ढेर सारा रखा है अभी है मेरे पास ड्रम में, स्टोर में मेरे पास है 20 किलो चावल, फिर भी उसमें का जूठा हो जाता है, इसलिए अलग से चावल मैं 15 किलो ये वाला ले आई हूँ, अगर खाना अगर खिलाना हुआ यहाँ तो। और 5 किलो चावल मैं पुलाव वाला लेके आ गई हूँ, और आटे आटे भी पीसे हुए रखे, फिर भी मैं आटे का पैकेट, क्योंकि इसमें जूठी चीज़ कोई नहीं यूज़ करते हैं, सब नया रहता है गणेश भगवान का। ये नारियल का भूरा है, और ये अपना चीनी अलग से दिया था उसमें, चना की पैकेट है, काफ़ी कुछ सामान हो गया है। अभी एक एक सामान दिखाऊंगी तो बहुत ढेर सारे सामान हो जाएंगे।
ये गुड़ है, मैगी मसाला, मूँगफली, बेसन भी रखा हुआ है, फिर भी बेसन की पैकेट मैं लेके आई हूँ। और ये मैं दाल फ्राई करने वाला मेरे पास था, टूट गया था, मुझे दिखा तो मैं ये लेके आ गई हूँ। कुछ भी चीज़ गर्म करने के लिए रहेगा, थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें, सूजी है सब, इसमें कोई चीज़ पुरानी नहीं यूज करते, इसमें सब चीज़ नया यूज करते हैं। मैं सारी चीज़ें नया लेके आई हूँ जितना भी है, और इसमें अभी बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। पोहा है, गुड़ इधर भी रखा हुआ है, 2 kg गुड़, 2 kg घी, और 2-3 पैकेट चिप्स, 3 पैकेट नमकीन, और ये काजू, और ये अपना बादाम, सोयाबीन वड़ी, बिस्किट, ये वो जो भी चीज़ें घर की रिश्ते की होती हैं, ये अपनी धूप की पैकेट। अभी मैं एक चीज़ दिखाऊंगी, तो बहुत टेस्ट भी नहीं था, ख़त्म हो गया था, टेस्ट भी लेके आए। अभी बहुत सी चीज़, ये अपना 5 kg टाइड साबुन की पैकेट बड़ी वाली, काफ़ी सामान हो गया है। ये अपना कोल्हापुरी शिमला मिर्ची मसाला भी है, और इसमें खाना खाने वाली प्लेट अभी नहीं है, फूलमाला नहीं है अभी, और लाल कपड़ा चाहिए अभी गणेश जी को तैयार करने के लिए। अभी ये सब सामान अभी मैं फिर मार्केट जा रही हूँ लेने के लिए। ये सब की आज मैं आप लोगों से सुबह बातें किया था, अभी मैं आ गई। अभी दिन में बजे हैं 3, खाना मेरा हो गया है, अभी बर्तन नहीं धोया है, यही सब सामान मैं लेके आई हूँ। और जैसा इसमें दिख रहा है, ये भी घी का डिब्बा है, और बिस्किट है ये सब, और उधर बिस्किट पड़े हुए हैं, बहुत ढेर सारे सामान है। ठीक है, अभी मैं इतना सामान लेके आई हूँ। अब मैं लिस्ट भी देखिए आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसमें मैंने डाल दिया लिस्ट, मेरा सामान कितने का, शायद 8,500 रुपये का है, इसमें 13,000 कितने का तो हुआ था, जो भी है अभी लिस्ट मैंने डाल दिया इसमें, देख ली, इसमें मुझे 1300-1400 का छूट मिला है। और आप लोगों भी कहीं स्टोर से इकट्ठा सामान लेंगे, कुछ ना कुछ छूट मिलता है, मुझे इतने सामान लेने के बाद मुझे 1300-1400 रुपये के छूट मिली है। आप लोग भी लिस्ट मैंने डाला है उसमें देख लीजिए, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती हूँ पूरा। और आप लोग भी इकट्ठा सामान खरीदें ताकि कुछ तो बचत होगी। अभी मैं मार्केट फिर जाने वाली हूँ, क्योंकि अभी शाम को फिर मुझे जाना है, और मैं बर्तन देखे भी पूरे बेसिन में भरे हुए हैं, अभी शाम को सारे क्लीन हो रहे हैं दोपहर का। अभी मैं आने के बाद बर्तन धुलूँगी, चाय पी के जाने के बाद मैं बर्तन आऊँगी तब धुलूँगी, क्योंकि मैं नहीं जाऊँ, मैं मार्केट जाना, अभी मैं बर्तन नहीं धुलूँगी क्योंकि लेट हो जाएगा। और अभी इनके साथ मैं मार्केट फिर जाने वाली हूँ, आने के बाद मैं साथ ही वीडियो फिर डालूँगी, डिलीट हो गई है, तो मैं बास्केट लेके आई थी, अच्छी लगी ना बास्केट, मुझे तो अच्छी लगी, आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी ना ये बास्केट, कितनी प्यारी सी, कितनी क्यूट सी, कितनी छोटी सी बास्केट है, अच्छी लगी मुझे तो, बहुत अच्छी लग रही है। दिन था फिर भी मैं दिन लेके आ गई हूँ, क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है सब चीज़ों की।